तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा 2023 का पहला विनाशकारी तूफान जो बांग्लादेश को बीच से चीर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोन मोचा की, जो प्रति बीतते घंटे के साथ और ताकतवर होते जा रहा है एवं 14 तारीख को सबसे उग्र होते हुए 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को धारण कर लेगा। भविष्य मालिका से तथ्य संग्रह करके मैंने आप सबको कहा था कि 2023 भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष होने वाला है। 2023 आरंभ हो चुका है एवं संपूर्ण चित्र हम सबके सामने है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। जब तक ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तब तक साइक्लोन मोचा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले चुका होगा। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि साइक्लोन मोचा सुपर साइक्लोन भी बन सकता है। सबसे अधिक संकट है बांग्लादेश के ऊपर। यदि बांग्लादेश से कोई सदस्य वीडियो देख रहे हैं तो आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारी जान माल का नुकसान होना तय है। क्या आप बता सकते हैं कि बांग्लादेश को आजाद करने हेतु भारत ने बांग्लादेश में कौन से सेना की स्थापना की थी? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। बांग्लादेश के बाद सबसे अधिक संकट है भारत के नॉर्थ ईस्ट पे, क्योंकि भारी बारिश होने वाला है एवं आप सबको पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश के बाद क्या होता है। यदि वहाँ की सरकारें पहले से प्रस्तुत हो जाए तो जान माल का नुकसान बड़े स्तर पर कम किया जा सकता है। यूरोपियन मॉडल के अनुसार साइक्लोन मोचा 14 तारीख के शाम के समय म्यांमार के सितवे एवं बांग्लादेश के चितगोंग के मध्य भाग में टकराने वाला है। अमेरिकी मॉडल के अनुसार साइक्लोन मोचा 14 तारीख दोपहर के समय सितवे एवं चितगोंग के मध्य भाग में टकराने वाला है। मैंने सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की, जैसे कि सी सरफेस टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एवं यह पाया कि साइक्लोन मोचा और रिकर्व होकर चितगोंग के निकट टकरा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो नुकसान दो गुना हो जाएगा, क्योंकि चितगोंग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ध्यान रहे, ये केवल एक साइंटिफिक एनालिसिस है, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी नहीं। कुछ लोग दूसरे किसी चैनल से सुनकर यहाँ आकर कमेंट कर रहे थे कि मैंने कहा था साइक्लोन मोचा भारत से टकराने वाला है। या तो आप मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देखते, या तो आप यहाँ टाइम पास करने आते हो। ऐसे लोगों के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा, मैं यहाँ सत्य के पथ पर चल रहे, धर्म का पालन कर रहे सच्चे सनातनियों की फौज खड़ी करने आया हूँ, जो आगे चलकर युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देंगे, धर्म की स्थापना करेंगे एवं अखंड भारत वर्ष को पुनर्वार विश्व गुरु बनाएंगे। किसी भी संकट का आकलन करने हेतु मैं तीन दृष्टिकोण से तथ्यों की जांच करता हूँ, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक। उसके पश्चात ही आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, ताकि आप सतर्क रहे, बाकी विचार आपको करना है। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि जब ओडिशा में तूफान आता है तब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कौन से रंग का ध्वजा फहराया जाता है। सही उत्तर है सफेद रंग का। विजेता का नाम है पात्र रेसिडेंस। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।